हेलो भाई लोग, आप सभी लोग जानते होंगे ब्लिंकिट के बारे में। वही ब्लिंकिट जो 10 मिनट में आपके घर में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करा देता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि उस ब्लिंकिट में जहाँ पे हम लोग 10 मिनट में अपना सामान अपने घर पे पा जाते हैं, उसके पीछे लड़कों के कितने एफर्ट्स होते हैं, वहाँ पर जो बंदे काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और आपका जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से प्लेस किया जाता है और उसको आप तक पहुँचाया जाता है। तो सारा प्रोसेस जानेंगे और ये भी देखेंगे कि वो सारे बंदे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कितने एफर्ट्स कर रहे हैं आप तक सामान पहुँचाने के लिए। थैंक यू। तो भाई लोग, आइए अब आप लोगों को ले चलते हैं स्टोर के अंदर। और ये है स्टोर का पैकिंग एरिया, जहाँ पे जो भी ऑर्डर डिलीवर्ड होने के लिए आता है उसे ब्लिंकिट के एक पर्टिकुलर बैग में पैक किया जाता है और फिर वो डिलीवरी प्रोसेस में आगे निकल जाता है। और ये ऑर्डर पैक हो रहा है, बिस्कुट जो भी डिलीवरी बॉय अवेलेबल होगा उसको दे दिया जाएगा डिलीवरी के लिए। तो चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं स्टोर मैनेजर के केबिन की तरफ। यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, ये ब्लिंकिट का ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है जिसमें हमें डाटा शो होता रहता है कि कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए और कितने इन रूट हैं। जो भी ऑर्डर निकल चुका है वो सारा यहाँ पे शो होता रहता है। और ये है स्टोर का मेन व्यू, यहाँ पे सारे जो भी चीज़ें हैं स्टोर में वो रखी हुई हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा डीप फ्रीजर है, इसमें जो भी कोल्ड का आइटम है कुकिंग का वो सारा यहाँ पे रखा जाता है। जैसे डीप फ्रीजर की आवश्यकता होती है वो सारा आइटम यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है अपना दूसरा डीप फ्रीजर, जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक और जो भी जूसेस हैं वो सारे रखे हुए हैं। हर तरीके की जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो ब्लिंकिट में अवेलेबल होती है, सोडा कोल्ड ड्रिंक उसके सारे ब्रांड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो है ये नॉन वेज सेक्शन है, यहाँ पे जो नॉन वेज के जितने भी आइटम होते हैं कोल्ड के वो सारे इसमें रखे जाते हैं। उसका एक अलग डीप फ्रीजर होता है, वेज का अलग, नॉन वेज का अलग, कोल्ड ड्रिंक्स का अलग। और ये है स्टोर के अंदर का एरिया, ये देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं और इसमें जो भी दही योगर्ट वगैरह हैं, जो मिल्क शेक हैं वो सारे रखे हुए हैं। और ये दूसरी रेफ्रिजरेटर है जिसमें कि अलग प्रकार के जो योगर्ट्स हैं और पनीर है, चीज़ है, मिल्क है, वो सारा रखा हुआ है। इसमें हमारी चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई हैं, जितने भी अलग अलग चॉकलेट्स के ब्रांड आते हैं वो सारे ब्लिंकिट में अवेलेबल होते हैं। सारे जो भी कम रेट से लेके हायर रेट तक जो भी चॉकलेट्स होती हैं वो सारी ब्लिंकिट में मिल जाती हैं, अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग ब्रांड्स के सारे आइटम जहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये देखिए पनीर वगैरह और जितने भी चॉकलेट्स के अदर ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे मिल। और ये सारी रैक्स होती हैं जिसमें अलग अलग सामान रखा हुआ होता है। और ये रैक्स में एक कोड लगा होता है जिसको स्कैन करके हम उस आइटम का पता लगाते हैं जो भी ऑर्डर में आया होता है। हर चीज़ की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, जब भी ऑर्डर आता है तो हम लोग इसी QR कोड को स्कैन करके उसका पता लगाते हैं जो भी जगह होती है। ये देखिए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ब्रांड के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे स्टोर के अंदर रखे होते हैं। और देखिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों की जो मोबाइल की डिवाइस होती है उस पर ऑर्डर शो हो जाता है और लोकेशन दिख जाती है कि वो ऑर्डर कहाँ पर रखा हुआ है और कितनी क्वांटिटी में है। तो उस ऑर्डर की जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है उस लोकेशन पे हम लोग स्कैन करते हैं वहाँ का जो QR होता है,
QR कोड स्कैन करने के बाद टाइमर भी चलता रहता है कि कितने ऑर्डर हैं और उसको कितने मिनट्स में निकालना है। तो जो भी पिकर होता है वो उसकी पिकिंग करता है उस पर्टिकुलर ऑर्डर की, और बहुत ही कम टाइम होता है उस ऑर्डर को निकाल के पैकिंग एरिया तक पहुंचाने का। तो जो भी बंदे होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि ये हमारे मानस भाई, ये बहुत अच्छी पिकिंग करते हैं, सबसे फास्ट स्टोर में पिकिंग इन्हीं की रहती है। अब आइए आपको पूरा स्टोर घुमाते हैं। सामने आटा रखा हुआ है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आटा होता है वो सारा यहाँ पे रखा हुआ होता है। बगल में डीप फ्रीजर रखे हुए हैं, सारे डीप फ्रीजर जितने भी होते हैं, और जो भी फूड आइटम्स हैं वो सारे इन रैकों पर लगे हुए हैं। जितने भी अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे बच्चों के डाइपर्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे जो सोप वगैरह होते हैं जितने भी, वो सारे यहाँ पे रखे जाते हैं इस एरिए पे। और यहाँ पे जो भी किचन का आइटम होता है, कफ वगैरह होते हैं, वो सारे यहाँ पे रखे जाते हैं। और ये डॉग्स के लिए जो खाना होता है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, शैम्पू सोप वगैरह फेस वॉशेस वगैरह, वो सारे यहाँ पे होते हैं। इस सेक्शन में भी जो फूड आइटम्स हैं, बिस्किट वगैरह हैं, वो सारे यहाँ पे रखे जाते हैं। सामने भी एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। और ये है F&B एरिया, जहाँ पे सारे फल और सब्जियाँ वगैरह रखे जाते हैं। भाइयों, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉगिंग किंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।